मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के एक साल दो साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा है, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा है। बस नहीं, काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मान लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकाल दीजिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया, शुगर मिल वालों का भी किया। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं, शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं राजीव भाई करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न को बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचे, काकवी बना के बेचे। पर अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव? 12 रुपए। आपको मालूम है इसराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए का। इसराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो है। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। ये है सूत्र, और ये सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल दें, चीनी, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। तो एक तो शुगर का याद रखिए, ये घृणा करने की वस्तु है, सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो इससे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।